देखिए, अगर आपके WhatsApp में यहाँ पर कीबोर्ड आपको शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसे कैसे सही कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बस आप मुझे फॉलो करते जाइए। यहाँ पर आपको फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ आप जनरल मैनेजमेंट देख पाएंगे और आपको लैंग्वेज एंड इनपुट में चले जाना है। तो आपके फ़ोन में कुछ अलग सेटिंग होगी, लेकिन आपको जाना है यहीं पर। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे चले जाइए। थोड़ा आजू बाजू में कहीं आपको कीबोर्ड का ऑप्शन होगा तो आप समझ के अपने फ़ोन में ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो भी मेरा फ़ोन है सैमसंग कीबोर्ड वहाँ पर डिफ़ॉल्ट में है। देखिए, डिफ़ॉल्ट में सैमसंग कीबोर्ड है, बट हो सकता है डिफ़ॉल्ट के फ़ोन में कीबोर्ड में कुछ बग आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा मैनेज कीबोर्ड में क्लिक करके आपको माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड ऑन कर लेना है। देखिए, ये आपको पहले से ही नहीं आएगा, आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड सर्च कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपको इसे इनेबल कर लेना है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ पे आके जैसा मैं आया। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की को सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद अब आप अपने व्हाट्सएप में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है वो आ जाएगा परफेक्टली, आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।